ज्ञान सिंह है और आज मैं आप सबके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी। इसका शीर्षक है आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चे गलत जा रहे हैं, परीक्षा में जाने क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिलाकर 70% आया करते। हौसले इतने बुलंद थे कि कभी उदास नहीं हुए, एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। 12वीं में तो मेरे अकेले के ही 43% आए थे, घर वाले क्या रिश्तेदार तक फूले ना समाए थे। रिजल्ट देखकर लौटा अद्भुत खड़ी थी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने तुझे हास रच दिया, इसी खुशी में शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने घर में सफेदी करवा दी, मार्कशीट को शीशे में जड़वा कर ड्राइंग रूम में सजा दी। दादी ने तो यहाँ तक कह दिया जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। यह अलग बात है कि पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी, 6 महीनों से पहले ही जोत बुझानी पड़ी। बड़े भाई ने तो तब अचंभा खाया जब देश के बड़े बड़े अखबारों में मेरा नाम नहीं आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा, दाखिला फिर भी कॉरेस्पोंडेंस में ही मिला, लेकिन ना कोई सिकवा ना गिला। हमारे समय के बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक ही कक्षा में कई कई साल लगाते थे, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। बच्चे वही पढ़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। जो बच्चे एक ही कक्षा में कई कई साल लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। और वही बच्चे आज विजेता बन गए हैं, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए हैं। लेकिन आजकल बच्चे किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया है, माँ बाप का प्यार कंप्यूटर और मोबाइल के भेंट चढ़ गया है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद